हेलो बच्चों बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एंट्रीज। हमने जो लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, तो आप ये मान करके चलिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो भी आप अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो अकाउंटिंग इक्वेशन में, लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हो, तो है तो वो बहुत सिंपल। तो सिंपल होने की वजह से, या दूसरा कह लीजिए कि उसमें एक एक ट्रांजेक्शन को साथ साथ रिकॉर्ड करना पड़ता है और बाद में हर बार न्यू ट्रांजेक्शन बनानी पड़ती है, तो यही उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी हो जाती है। आप ये समझिए कि अगर हम दो दो ट्रांजेक्शन या एक एक ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, बाद में नई ट्रांजेक्शन हमने ऐड करी, फिर न्यू इक्वेशन बनाई, इस तरह से, तो अगर हम पूरे महीने में हमारी 1000 अगर ट्रांजेक्शन है, मतलब 1000 सौदे हम करते हैं रिकॉर्ड, तो इस तरह से तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन लास्ट में बहुत बड़ा बनता चला जाएगा। और हर बार प्लस माइनस करते रहना वो भी बहुत बड़ी दिक्कत का काम है। तो इससे बचने के लिए, या फिर ये समझ लीजिए कि जो वाकई में प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? जर्नल की। और जर्नल में हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। अभी जर्नल एंट्रीज़ क्या हैं, जर्नल होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी फॉलो नहीं की जाती। ये खाली आपका समझ लीजिए एकेडमिक कोर्स के अंदर आपका एक चैप्टर दे रखा है, तो इसलिए हमें पढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज़ का वैसे कोई यूज़ नहीं है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप किस में अकाउंट बनाते हो? अपने जर्नल के अंदर। जर्नल का परफॉर्मा मैं बना रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर सबसे पहले ये एक बुक होती है, तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ जो हमारी पार्टी है, यानी कि जो मेन ऑनर है बिजनेस का ऑनर, तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये जो भी उसका नाम होगा वो, ये पूरा परफॉर्मा इस तरह से बनता है, ये इसका फॉर्मेट है। ये है इसका फॉर्मेट। इस साइड आता है सीरियल नंबर, जो जो हमारी एंट्रीज़ हैं, मतलब जो जो ट्रांजेक्शन है उनको हम रिकॉर्ड करते रहेंगे नंबर वाइज। और अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में डेट दे रखी है कि इस डेट पर ये ट्रांजेक्शन हुई, तो हम डेट डालते जाएंगे। यहाँ पर हम मेन एंट्री पास करते हैं, पर्टिकुलर्स, उसके सारे पर्टिकुलर। ये LF होता है, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। ये क्या चीज़ होती है ये अभी फ़िलहाल समझने की आवश्यकता नहीं है, बस ये कुछ होता है, इसके बाद वाला जब मैं चैप्टर करवा दूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेजर फोलियो ये होता है डेबिट अमाउंट, ये होता है क्रेडिट अमाउंट। अब ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं अभी। तो ये इसका एक फॉर्मेट है, जर्नल हमने बनाया, जर्नल ये मेन हेडिंग डाल दिया, इन द बुक्स ऑफ जो पार्टी का नाम है वो पार्टी का नाम लिखा, 5 कॉलम बने हैं इसके, एक सीरियल नंबर या फिर डेट, या तो सीरियल नंबर लिखा जाएगा यहाँ पर या फिर डेट डाली जाएगी। जैसे डेट चल रही है कि हाँ जी 3 अगस्त को ये एंट्री हुई, 4 अगस्त को ये एंट्री हुई, 5 अगस्त को ये एंट्री हुई, 3 अगस्त को पहली एंट्री हुई, 3 अगस्त को दूसरी एंट्री हुई, 3 अगस्त को तीसरी एंट्री हुई, इस तरह से। या फिर अगर डेट नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से सीरियल नंबर डालते चले जाओगे। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर में क्या भरा जाता है अभी मैं समझाऊंगा आपको। लेजर फोलियो अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगा, इसको ब्लैंक ही छोड़ना है, और इवन जब आप ये क्वेश्चन करोगे तब उस समय भी आपने ब्लैंक ही छोड़ देना है। डेबिट के नीचे डेबिट का अमाउंट लिखा जाएगा और क्रेडिट अमाउंट के नीचे क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाएगा। अमाउंट लिखा जाता है इसके अंदर, ये डेबिट क्रेडिट क्या है अभी टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब इसका यूज़ किस तरह से करना है, उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कुछ आपको इसके लिए रूल समझने पड़ेंगे, कुछ गोल्डन रूल हैं जो आपको याद करने हैं इन जर्नल एंट्रीज को करने से पहले। गोल्डन रूल्स फॉर जर्नल, नंबर 1 रूल है आपका, इफ एनी एसेट। अब ये मत पूछिएगा कि एसेट क्या है, एसेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एसेट क्या है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, बैंक, ये सारी की सारी हमारी एसेट्स हैं। तो अगर कोई एसेट बढ़ रही होगी, इंक्रीज करेगी, तो उसे क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट क्या है, ये जस्ट एक सिंबल है, अदरवाइज डेबिट और क्रेडिट का कोई भी मीनिंग, सेपरेट मीनिंग नहीं है। डेबिट का मतलब बढ़ना घटना ऐसा कुछ नहीं है,
जिस तरह से अगर मैं थोड़ा सा इससे अलग हटा करके आपसे बात करूँ, जैसे हम मान लीजिए 2 और 3 ये दो आपको वेरिएबल दे रखे हैं, आप 2 के साथ में यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो, यानी कि ये साइन लगा दो, प्लस माइनस में कुछ नहीं कह रहा, ये वाला साइन लगा दो, तो इसका मतलब इसी का इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा ना। लेकिन अगर मैं इसकी बजाय इस तरह से कर दूँ इसे, यानी कि इस साइन को मैं थोड़ा सा इस तरह से बना दूँ, तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 ये जो वेरिएबल थे इनको तो चेंज नहीं किया मैंने, लेकिन जो बीच में ये साइन है, इस साइन की वजह से जो आंसर आने वाला है ये डिफरेंट हो जाता है। यानी कि मेन ये जो साइन है इसको क्या मतलब होता है, जोड़ना, और इस साइन प्लस वाले साइन को मैंने थोड़ा सा इस तरह से बना दिया, तो ये क्या बन गया, इनटू मल्टीप्लाई का साइन बन गया। तो क्या इस साइन की अपने आप में कोई वैल्यू है? अगर ये वाला साइन ऐसे रखा हुआ है तो इसको प्लस मान लिया, इसको थोड़ा सा इस तरह से देखें तो इनटू साइन है, इसके ऊपर मैं इस तरह से बिंदु डाल दूँ तो ये डिवाइड वाला साइन हो गया, दोनों बिंदु ऊपर से हटा दूँ तो ये माइनस का साइन हो गया। तो साइन अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखते, साइन को हमने जो नाम दे रखा है उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो यही बात यहाँ पर डेबिट की है, हमने अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री बनाते टाइम दो साइन दे रखे हैं या दो नाम दे रखे हैं, एक दे रखा है डेबिट और एक दे रखा है क्रेडिट, ये हमारी पहचान करने का तरीका है। तो डेबिट हम कब करेंगे, क्रेडिट हम कब करेंगे, ये डिपेंड करता है इन गोल्डन रूल्स पर। किसी भी आइटम को डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है ये हम अपनी इच्छा से नहीं करते, ये डिपेंड करेगा रूल्स पर। तो डेबिट और क्रेडिट के बारे में और ज़्यादा नहीं समझना है आपने, केवल इतना मान करके चलना है कि डेबिट और क्रेडिट ये दो अमाउंट हैं, दो लिखने के तरीके हैं। तो डेबिट कब किया जाएगा, क्रेडिट कब किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा रूल्स के ऊपर। तो आपके टोटल गोल्डन रूल्स जो हैं वो 5 हैं, आपको उन 5 गोल्डन रूल्स को बहुत अच्छी तरह याद करना है, फिर उनकी हेल्प से अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो गोल्डन रूल क्या है, नंबर 1, अगर कोई एसेट बढ़ती है तो आपको उसे क्या करना है, डेबिट करना है। जैसे मान लीजिए हमने कोई फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ गई ना आपके पास, आपने गुड्स खरीदे तो गुड्स आपके पास बढ़ गए, आपको डेटर ने कैश दे दिया, कैश आया आपके पास तो कैश बढ़ गया ना, तो ऐसी अवस्था में आपने क्या करना है, उसे डेबिट करना है। कैश आया, कैश को डेबिट करो, फर्नीचर आपने खरीदा, फर्नीचर को डेबिट करो, आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी को डेबिट करो। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर इसी फर्स्ट वाले रूल की अगर मैं बात करूँ, अगर कोई एसेट घट जाती है तो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। अगर एसेट बढ़ती है तो डेबिट करना है, एसेट घटती है तो क्रेडिट करना है। आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, एसेट चली गई ना आपके पास से, एसेट क्यों चली गई, क्योंकि कैश चला गया, कैश चला गया तो इसका मतलब एसेट है आपके पास, कैश को एसेट ही तो बोलते हैं। तो कोई भी एसेट अगर कम हो जाए, मान लीजिए कैश कम हो गया, तो कैश कम हो गया क्रेडिट करोगे, फर्नीचर आपने बेच दिया, फर्नीचर चला गया आपके पास से, एसेट कम हो गई क्रेडिट कर दो, गुड्स बेच दिए एसेट कम हो गई क्रेडिट कर दो। तो ये था आपका पहला रूल कि अगर कोई भी एसेट आपकी बढ़े तो आपने डेबिट करना है, कोई भी एसेट घटे तो क्रेडिट करना है। दूसरा रूल, इफ़ एनी लायबिलिटी, अब लायबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो इससे उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। कोई भी लायबिलिटी अगर बढ़ जाए, कोई भी लायबिलिटी बढ़ जाए, आपने बैंक से लोन ले रखा है, आपने बैंक से लोन लिया था, तो जब लोन लिया है आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो आपके सिर पे बोझ बढ़ गया, तो बैंक लोन को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्योंकि लोन लिया है तो लायबिलिटी बढ़ी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर कोई लायबिलिटी कम हो जाए तो उसे डेबिट किया जाएगा। कोई भी लायबिलिटी कम हो जाए, आपने जो बैंक से लोन ले रखा था 5 लाख का, उसमें से आपने 50,000 रुपये की पेमेंट कर दी, तो 50,000 रुपये का आपका सिर से बोझ कम हो गया, 50,000 रुपये आपके सिर से लायबिलिटी कम हो गई है, लायबिलिटी कम होती है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब आप कहोगे सर डेबिट क्यों करेंगे, क्रेडिट क्यों नहीं करेंगे, ये बेटा मेरे तरफ से बनाए हुए रूल नहीं है, जिन्होंने जर्नल स्टार्ट किया था, मतलब जर्नल नाम का चैप्टर बनाया है अकाउंट्स के अंदर, जिन्होंने स्टार्टिंग की है, अकाउंट्स को बनाने के तरीके बताए हैं, उन्होंने ही ये गोल्डन रूल दिए आपको। तो इंटरनेशनली इसको फॉलो किया जाता है, इन गोल्डन रूल्स को, आप कहीं पर भी जाओगे जर्नल अगर आपको बनाना है तो आपको इन्हीं गोल्डन रूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और चाहे यहाँ पर
आप इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो या किसी दूसरे स्कूल में कर रहे हो, किसी भी छोटी से छोटी कंपनी में जाओगे, बड़ी से बड़ी कंपनी में जाओगे, हर जगह इन्हीं गोल्डन रूल्स की हेल्प से ही जर्नल बुक बनाई जाती है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप बचपन में प्लस माइनस इनटू करते थे, तो आपने कभी ये नहीं पूछा कि इस प्लस का मतलब ऐसे ही क्यों होता है, इसको प्लस क्यों नहीं बोलते, या फिर आपने कभी ये नहीं पूछा कि इसको इनटू क्यों नहीं बोलते, जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसको इनटू क्यों नहीं कहा जाता। तो आपको यही चीज़ें याद ही करनी पड़ी। इसी की हेल्प से आप मैथमेटिक्स में आप 10th क्लास पास करके आए हो। तो यही चीज़ है कि साइन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। हम ये मान करके चलते हैं इसका मतलब जोड़ना है, इसका मतलब इनटू करना है। तो आपको इसी तरह से ये वाले रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये करना है, ऐसा हो रहा है तो ये करना है। एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, एसेट घट रही है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, लायबिलिटी घट रही है तो डेबिट। अगले रूल की बात करते हैं, नंबर थर्ड, इफ कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है? जो मालिक द्वारा लगाए गए पैसे। अगर कैपिटल बढ़ती है तो ये सेम चलता है, इसी की तरह से क्रेडिट करेंगे। आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रखे थे, कैपिटल थी आपकी, आपने 1 लाख रुपए और लगा दिए तो कैपिटल आपकी बढ़ गई। तो कैपिटल बढ़ गई तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सेम लायबिलिटी की तरह चलता है इसका रूल। और अगर कैपिटल कम हो गई तो क्या करेंगे? डेबिट। ये दोनों रूल एक जैसे हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए कैपिटल भी एक प्रकार की लायबिलिटी है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों अलग है। तो जब बिजनेस का ऑनर अलग है तो उसके द्वारा लगाई गई कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। समझाया था ना आपको कॉन्सेप्ट उसका? तो जब बिजनेस के लिए लायबिलिटी है तो कैपिटल को भी लायबिलिटी की तरह ही माना जाता है, क्योंकि हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं ये बिजनेस के ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। आपको ध्यान होगा, एक क्वेश्चन भी मैंने आपको टेस्ट में पूछा था कि अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, किसके मतलब दृष्टि से बनाए जाते हैं। तो मालिक की दृष्टि से नहीं बनते, ये बिजनेस की दृष्टि से बनते हैं। तो आप जो अकाउंट बनाओगे बिजनेस के लिए बनाओगे, तो बिजनेस के अंदर कैपिटल को भी लायबिलिटी ही माना जाता है। तो लायबिलिटी वाला रूल ही सेम यहाँ पर अप्लाई होगा। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ती है, सॉरी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ती है तो भी क्रेडिट। लायबिलिटी घटी और चाहे कैपिटल घटी, दोनों सिचुएशन में डेबिट किया जाएगा। रूल नंबर 5, इफ एनी एक्सपेंस और लॉस इज अराइज, मतलब हुआ, इसे क्या करना है? डेबिट करना है। इसमें कम वाली कोई बात नहीं है, सिंपली इसमें एक ही रूल चलता है, मतलब एक ही साइड चलती है। कोई भी एक्सपेंस आपने पे किया, आपने लेबर को सैलरी दी, तो लेबर की सैलरी क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। आपका सामान जल गया तो लॉस हो गया, तो लॉस आपके लिए क्या है? मतलब लॉस, जो सामान जला है वो आपके लिए क्या है? लॉस है। आपने लेबर को सैलरी दी वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन लगी, ये लॉस है। आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, ये एक्सपेंस है। आपने किसी को कमीशन पे की, ये आपका एक्सपेंस है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना है? डेबिट करना है। मतलब एक्सपेंस को भी डेबिट करना है, लॉस को भी डेबिट करना है। इसमें इंक्रीज या डिक्रीज तो कुछ होगा नहीं, ऑफकोर्स एक्सपेंस हुआ है तो डेबिट करो, और हटने का तो मतलब ही नहीं, डिक्रीज और इंक्रीज नहीं होगा इसमें। तो एक्सपेंस या लॉस कुछ भी हुआ तो डेबिट किया जाएगा। एनी इनकम और रिवेन्यू और प्रॉफिट। आपको कोई इनकम हो गई, पैसा कमाया आपने, आपने माल बेचा तो सेल हुई आपकी, आपको कोई गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ, यानी कि इसका उल्टा, यहाँ पे लॉस हो रहा था तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, गेन की बात कर रहे हैं, यहाँ एक्सपेंस की बात हो रही थी तो यहाँ पे रिवेन्यू और इनकम की बात हो रही है। इस सिचुएशन को क्या करना है? आपने हमेशा क्रेडिट करना। तो ये आपके 5 रूल हैं। जैसे मान लीजिए कमीशन मिली आपको तो आपको क्रेडिट करना है, आपको रेंट मिला कहीं से, आपने फैक्ट्री के बाहर का एरिया किराए पर दे रखा था, आपको रेंट मिला तो आप रेंट को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। आपने रेंट दिया तो ये आपके लिए खर्चा है, इसे क्या करोगे? डेबिट करोगे। अब ये आपके 5 रूल हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, एक्सपेंस के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, लॉसेस क्या होते हैं ये पता होनी चाहिए, इनकम रिवेन्यू क्या है ये बात पता होनी चाहिए, प्रॉफिट क्या है ये बात पता होनी चाहिए। एक्सपेंस का मतलब यहाँ पर मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर इनकम और रिवेन्यू का मतलब यहाँ पर मैं रिवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ।
ये रिवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, ये रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो ये आपको पहले वाली सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, वो आपको समझ में आएंगी, तभी आप ये गोल्डन रूल समझ सकते हो, मतलब समझ के सकते हो, इन्हें अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये पांचों रूल आप याद कीजिएगा, कोई भी एसेट का बढ़ना घटना डेबिट क्रेडिट, लायबिलिटी कैपिटल का बढ़ना घटना क्रेडिट डेबिट, एक्सपेंस हो कोई भी लॉस हो डेबिट, कोई भी इनकम हो या कोई प्रॉफिट हो तो क्रेडिट। अब इनकी हेल्प से मैं आपको इसके अंदर लिखना बताऊंगा कि जनरल के अंदर लिखा किस तरह से जाता है। तो ये नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, फिलहाल आप ये गोल्डन रूल अच्छी तरह से लिख लीजिए और बना लीजिए।